जो नया नियम अभी आया है 2/3, बहुत लोगों को नहीं पता 2/3 हमारा क्या चीज का जुड़ रहा है। 1/3 यहाँ पे लिखा गया है एनसीबीटी मार्क्स। तो एनसीबीटी मार्क्स क्या है दोस्तों, अगर आप रेलवे से अप्रेंटिस कर रहे हैं या रेलवे से अप्रेंटिस करने का सोच रहे हैं तो आपको ये जानना बहुत जरूरी है कि हम लोग जो अप्रेंटिस करेंगे तो उसके बाद उसका नंबर किस प्रकार से हमारा जुड़ेगा और किस प्रकार से हमारा कट ऑफ बनेगा, ठीक है। ये आपको जानना बहुत जरूरी, नहीं तो आप लोग जो बाद में पछताते रहिएगा। किस प्रकार से यहाँ पे लोग जो 30 नंबर लाता है तो उसका 20 नंबर जुड़ता है ग्रुप डी परीक्षा का, ये आपको जानना बहुत जरूरी है। जो नया नियम अभी आया है 2/3, बहुत लोगों को नहीं पता है 2/3 हमारा क्या चीज का जुड़ रहा है, और ये जो 1/3 यहाँ पे लिखा गया है एनसीबीटी मार्क्स। तो एनसीबीटी मार्क्स क्या है, ठीक है, ये बहुत लोगों को नहीं पता है, तो आपको इस वीडियो में पूरा डिटेल से पता चलेगा। और उसके पहले जो आप लोग यहाँ पे कट ऑफ देख लीजिए कि अप्रेंटिस वालों का कट ऑफ कितना जाता है। तो देखिए यहाँ पे नॉर्मल कैंडिडेट का यहाँ तक है, ठीक है। उसके बाद आप लोग सीसीए यानी कि जनरल का देख सकते हैं, यहाँ पे 40 गया है, और सीसीए ओबीसी एससी एसटी का यहाँ पे 30 गया है मिनिमम। तो इतना नंबर जो जो इस बार लाया है उसका सभी का नौकरी हो गया है। तो देखिए आगे क्या होने वाला है, क्या नहीं होने वाला, आपको सारा कुछ इस वीडियो में पता चलेगा। और आपको ये भी पूरा डिटेल से पता चलेगा कि हम लोग का नंबर किस प्रकार से जुड़ेगा, पूरा एकदम A to Z, आपको एक भी जरा सा दिक्कत नहीं होगा इसमें, ठीक है। आप लोग पूरा वीडियो बनाए रहिएगा, चैनल पर नए होगा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इस तरह से नोटिफिकेशन हमेशा आने की पाने के लिए। तो देखिए गाइस यहाँ पे तीसरा नंबर हम लोग देख सकते हैं, उसके पहले आपको मैं बता रहा हूं कि ये ऑफिशियल अपडेट है। ये वेस्टर्न रेलवे की तरफ से जो कट ऑफ रिलीज किया गया था ना, तो उसमें बताया गया था कि इसका किस प्रकार से अप्रेंटिस वालों का किस प्रकार से यहां पे जो है ये कट ऑफ तैयार किया गया है, जो कि आपको जानना बहुत जरूरी होगा गाइस, ठीक है। तो इधर उधर आने की थोड़ा सा आपको इसमें ध्यान देना होगा, नहीं तो दिक्कत हो जाएगा आपका, ठीक है। तो चलिए हम लोग वीडियो को शुरुआत करते हैं और देखते हैं कि कैसे कैसे हम लोग का कट ऑफ तैयार किया गया। तो सबसे पहले आप लोग तीसरा नंबर में यहाँ पे देख सकते हैं इस जगह पे कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स आर शॉर्टलिस्टेड फॉर डीवी बेस्ड ऑन द नॉर्मलाइजेशन मार्क्स ऑफ सीबीटी, ठीक है। यानी कि पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट जो है वो शॉर्टलिस्टेड हुए हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए, उनके नॉर्मलाइजेशन मार्क्स के आधार पर जो उन्होंने सीबीटी परीक्षा में लाया था, यानी कि ग्रुप डी का सीबीटी परीक्षा जो होता है ना उसमें जितना लाया था वो, तो ये पीडब्ल्यू का वीडियो हो गया। उसके बाद आप लोग देखिए एंड, यानी कि एंड करके जो लिखा गया यानी कि और सीसीए कैंडिडेट्स आर शॉर्टलिस्टेड फॉर डीवी बेस्ड ऑन द 2/3 ऑफ वेटेज नॉर्मलाइज्ड मार्क्स ऑफ सीबीटी प्लस 1/3 ऑफ स्केल्ड एनसीबीटी मार्क्स, ठीक है। इसको आपको समझना बहुत जरूरी है गाइस, नहीं तो आप लोग अप्रेंटिस कीजिएगा और समझ में नहीं आएगा कि हमारा नंबर किस प्रकार से जुड़ेगा ग्रुप डी में, तो फिर फायदा क्या है। तो देखिए सीसीए मतलब कोर्स कंप्लीटेड एक्ट अप्रेंटिस, यानी कि रेलवे अप्रेंटिस जो किया है उसका जो डीवी हुआ है वो शॉर्टलिस्टेड हुआ है ना, तो उनका किस आधार पर हुआ है, तो उनका 2/3 ऑफ वेटेज नॉर्मलाइज मार्क्स ऑफ सीबीटी। देखिए मैं आपको थोड़ा सा यहाँ पे समझाना चाहूंगा कि देखिए आप लोग जो है सीबीटी का परीक्षा दिए ग्रुप डी का, उसमें बैठे, और अगर आपका 30 नंबर लाया, ठीक है, मान के चलिए 30 नंबर आप लोग लाए तो इसका 2/3 जुड़ेगा, आप लोग जितना भी लाइएगा उसका 2/3 कर दीजिएगा, उसके बाद इसको काटिएगा तो कितना आएगा 10 दुनी यानी कि 20 आएगा, ठीक है। यानी कि आप लोग लाए 30 नंबर और आपका जुड़ रहा है कितना, 20 नंबर जुड़ रहा है, और किसका जुड़ रहा है, नहीं जुड़ रहा है मतलब नॉर्मलाइज मार्क्स का जुड़ रहा है, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे पूरा यानी कि लिखा गया है, जैसे देखिए आप लोग अगर मान के चलिए 25 नंबर लाए, ठीक है, और अधिक आप लोग सही किए थे गलत कम किए थे तो आपका नॉर्मलाइज होगा, तो आपका ये नंबर बढ़ जाएगा, हो जाएगा जैसे मान के चलते हैं 30 हो गया आपका, ठीक। तो 30 हो गया किसका, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स का। आप लोग लाए थे कितना, 25 लाए थे ओनली, तो 25 का 2/3 नहीं जुड़ेगा आपका, जो जुड़ेगा वो नॉर्मलाइज जो होगा ना भाई, नॉर्मलाइज होकर के हो सकता है ये 25 का कम भी हो जाए 20 भी हो जाए, तो जो नॉर्मलाइज होगा उसका आपका 2/3 जुड़ेगा, जो कि यहाँ पे साफ साफ इस जगह पे बोला गया है 2/3 ऑफ वेटेड नॉर्मलाइज्ड मार्क्स ऑफ सीबीटी। आप लोग 2/3 जुड़ेगा किसका, नॉर्मलाइज मार्क्स ऑफ सीबीटी, यानी कि आपका जो नॉर्मलाइजेशन मार्क्स रहेगा उसका जुड़ेगा आपका 2/3, उसके प्लस यहाँ पे देखिए प्लस लिखा गया है, उसके 1/3 ऑफ स्केल्ड एनसीबीटी मार्क्स। एनसीबीटी मार्क्स पहले देखिए क्या होता है, तो एनसीबीटी मार्क्स आपका आईटीआई का नंबर यहाँ पे नहीं है, आईटीआई का नंबर से कोई मतलब नहीं है। बहुत लोग पूछते हैं कि भाई एनसीबीटी मार्क्स क्या है, तो एनसीबीटी मार्क्स आपका आईटीआई का नंबर नहीं है, एनसीबीटी एक संस्थान है, ठीक है, एक आने की बोर्ड एक तरह के सोच लीजिए, तो इसी के अंदर में ये सब सारा कुछ अप्रेंटिस वाला जितना भी सर्टिफिकेट वगैरह होता है ये सब सारा कुछ आता है। तो ये आपका जो है अप्रेंटिस का मार्क्स है, जो आप लोग 100% का अप्रेंटिस होता है ना 400 नंबर का अप्रेंटिस वालों का एग्जाम, तो उसका ये नंबर है, ठीक है। तो मान के चलिए उसमें अगर आप लोग 90% लाएँ, ठीक है, मान के चलिए आप लोग 90% लाएँ तो इसका 1/3 जुड़ेगा, आप लोग देख लीजिएगा जितना भी परसेंटेज लाइएगा ना अप्रेंटिस में उसका 1/3 कर दीजिएगा, आप काटिएगा तो कितना आया 30 आया। तो आप लोग पहले देखे थे उधर कितना आया था आपका, उधर जो आया था सीबीटी परीक्षा में, सीबीटी परीक्षा में 30 नंबर का
टू बाई थर्ड यानी कि आपका जो है 20 नंबर जुड़ा था, ठीक है 20 नंबर, और प्लस में इसका 90 का 1/3 इसका कितना जुड़ा, तो इसका जुड़ा आपका 30 नंबर, ठीक है। तो 20 यहाँ पे और 30 यहाँ पे कितना हो गया टोटल, टोटल हो गया 50। तो ये जो 50 आप लोग लाए हैं तो यही आपका जो है ग्रुप डी का मेरिट यानी कि फाइनल मेरिट बनेगा आपका, ठीक है, जो डीवी का होता है ना। तो इसीलिए आपको ये जानना बहुत जरूरी है गाइज, अगर ये लोग नहीं जानिएगा तो आप लोग जो है इधर उधर भटकते रहिएगा, पता नहीं चलेगा, ठीक है। तो ये आपको जानना बहुत जरूरी है। डीवी हम लोग का जो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्टलिस्ट होता है वो हमारा 2/3 ऑफ यानी कि सीबीटी मार्क्स जो होता है नॉर्मलाइजेशन उसका, और प्लस में 1/3 मार्क्स ऑफ एनसीबीटी मार्क्स, ठीक है, जो कि हम लोग अप्रेंटिस वाला का होता है। और अगर आपको अभी भी नहीं समझ आया तो आप लोग थोड़ा सा वेट कीजिए, अभी देखिए मेरे पास पूरा डाटा है, ठीक है, एक कैंडिडेट का कितना कितना नंबर लाया था, किस प्रकार से जुड़ा हुआ है, सारा कुछ आपको इस यानी कि पेज में आपको पूरा पता चलेगा कि कैसे कैसे क्या क्या हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले वेस्टर्न रेलवे यानी कि WR के नोटिफिकेशन में जो लिखा है उसके आधार पर, WR मतलब यही वाला जो अभी हम आपको दिखाए ना, ये वेस्टर्न रेलवे में किस प्रकार से बताया गया, और लगभग लगभग यानी कि हर जगह इसी तरह से नॉर्मलाइजेशन मार्क्स और इस नॉर्मलाइजेशन मार्क्स ऑफ सीबीटी और प्लस 1/3 यानी कि 2/3 ऑफ नॉर्मलाइजेशन मार्क्स ऑफ सीबीटी और 1/3 ऑफ एनसीबीटी मार्क्स, इसी को आधार बना करके यहाँ पे बनाया गया है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मेरिट लिस्ट। तो ये आपको जाना बहुत जरूरी है। तो देखिए WR के नोटिफिकेशन में जो लिखा है उसके आधार पर क्या है कि सीबीटी का नॉर्मलाइजेशन मार्क्स अगर मान के चलिए 29 कोई लाया है, ठीक है, उसका नॉर्मलाइजेशन मार्क्स जो है 29 नंबर 29.22 हुआ टोटल। अब देखिए 29 का 2/3 आप लोग जो करेगा जैसे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए शॉर्ट लिस्टेड कर रहे हैं, तो 29.22 का 2/3 करेगा तो आपका आ जाएगा कितना 19.48 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नॉर्मलाइजेशन में 2/3 इसलिए किया जाता है ताकि आपका सीबीटी में 1/3 जोड़कर सीबीटी प्लस एनसीबीटी मार्क्स के आधार को 100% बनाया जा सके, ठीक है। जैसे देखिए 2/3 यहाँ पे बताया गया पूरा डिटेल से, हमको उतना लिखने का जरूरत नहीं है। देखिए इस जगह पे 2/3 ऑफ यानी कि सीबीटी का एग्जाम, ठीक है, ग्रुप डी वाला, और प्लस में 1/3 एनसीबीटी यानी कि अप्रेंटिस वाला। तो इसको जब कीजिएगा आप लोग हल ने तो एक आएगा, और एक को जो है 100 से आप लोग गुना कीजिएगा तो आपको 100% आएगा, ठीक है, यानी कोई भी नंबर रहता है वो 100% रहता है अपने आप में, ठीक है। तो फिर ये टोटल कितना आ गया एक, और अगर मान के चलिए अगर 2/3 ना दे करके यहाँ पे देता पूरा 3/3 देता, ठीक है, यानी कि 3/3 मतलब बोल रहे हैं कि 100% पूरा देता। जैसे देखिए अगर कोई 30 नंबर लाया ग्रुप डी का परीक्षा में, नॉर्मलाइजेशन मार्क्स अगर उसका 30 नंबर हुआ, ठीक है, और प्लस में ये पूरा दिया है यानी कि 2/3 अभी दे रहे हैं ना, तो जो ये पूरा का 3 में से 3 इसको पूरा मिला है, ठीक है, 100% ये मार्क्स है पूरा, ये पहले से 100% मार्क्स दे चुका है। अगर ये अगर होता इस तरह होता तो 100% मार्क्स पहले से दे चुका है, और प्लस में 1/3 यहाँ पे देगा रेलवे अप्रेंटिस का, तो 100% से ज़्यादा हो जा रहे हैं भाई, यानी कि 133% लगभग लगभग हो जा रहा है। तो ये पॉसिबल नहीं है, अगर देना है तो आपको यानी कि 100% ही देगा। तो इसीलिए नियम लागू किया कि 2/3 प्लस 1/3 ये दोनों मिला करके एक होगा, और प्लस में एक जो होता है वो 100% के बराबर होता है, यानी कि कोई भी नंबर अपने आप में 100% होता है। तो इसीलिए ये नियम यानी कि 2/3 जोड़ा जा रहा है। ये हमको भी यानी कि बहुत पहले नहीं पता था, जब इसका कटअप का वीडियो कटअप जब हर जगह से रिलीज करने लगा ने तब पता चला कि यार 2/3 का नाम कभी कुछ यानी कि होता है नया चीज। तो देखिए इतना तो आपको पता चल गया, आगे हम लोग देख लेते हैं कि पुनः अपना क्वालिफाइंग मार्क्स कैसे चेक करेंगे। अब हम देखिए क्वालिफाई हुए हैं या नहीं हुए, कितना नंबर हमको बना है टोटल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए मेरिट लिस्ट, वो आपको कैसे पता चलेगा। तो देखिए अब क्या हुआ कि सीबीटी का नॉर्मलाइजेशन मार्क्स आपका कितना था, 29.22 था, जिसका हम लोग 2/3 किए तो कितना हो गया 19.48 हो गया, ठीक है। अब एनसीबीटी मार्क्स का 1/3 यानी कि आपका अप्रेंटिस का 1/3, अगर अप्रेंटिस में आपका जो है 66.31 लाए थे, ये कैंडिडेट है जो है यानी कि सारा कुछ कैलकुलेशन किए नहीं, पहले का कैंडिडेट, ठीक है, जो पहले सीबीटी एग्जाम होता था ना अप्रेंटिस वालों का वो है, अब सीबीटी एग्जाम हटा दिया गया, अब सिर्फ प्रैक्टिकल और सेशनल मार्क्स दिया जाता है, और जो कि आपका सेट में ही होता है सारा कुछ, तो उसका 1/3 जुड़ेगा 66.31 का 1/3 यानी कि अप्रेंटिस का 1/3, अप्रेंटिस में जितना नंबर लाया था उसका 1/3, तो 1/3 कितना हो गया 22.10, ठीक है। अब देखिए क्वालिफाइंग मार्क्स कैसे यानी कि बनेगा आपका, तो पहले बात की कितना 29.22 लाया था ये कैंडिडेट सीबीटी का नंबर में ग्रुप डी का परीक्षा में, तो 29 का इसका हो गया वो 2/3 किए तो 19.48 हो गया, प्लस में ये कैंडिडेट जो है 66.30 लाया था, हाँ यहाँ पे देख लेते हैं 66.31 लाया था ये अप्रेंटिस का परीक्षा में, ठीक है, तो इसका 1/3 जुड़ा तो कितना हो गया 22.10
10 हो गया। अब ये दोनों को जोड़ेंगे, उसके बाद जो हमारा नंबर आएगा वही हमारा यानी कि क्वालिफाइंग मार्क्स रहेगा, यानी कि वही हमारा डीबी के लिए शॉर्ट लिस्टेड रहेंगे। तो इसका दोनों का जोड़ करके 19.48 और 22.10 को जोड़ेंगे तो 41.58 हो रहा है मार्क्स इसका प्राप्त हुआ, जो कि मेरा यानी कि फाइनल मार्क्स रहेगा किसी का भी। तो इस प्रकार से आपका सारा कुछ जुड़ने वाला है। अगर आपको पता नहीं होगा पहले से तो आप लोग यहाँ पर पूरा जान लीजिए, और ये ऑफिशियल अपडेट है, ऑफिशियल जानकारी है, कोई यहाँ पर फेक वगैरह नहीं है, ठीक है। और बाकी आप लोग कट ऑफ वगैरह देख सकते हैं, और अगर फिर भी आपको कोई तरह का दिक्कत हुआ हो इस वीडियो में समझने का तो आप लोग कमेंट कीजिए। और इसके बाद भी आपको बताने वाला है बहुत सारा लोगों का कट ऑफ की किसे यानी कि दो दो नंबर लाए और उसका जो है 30-30 नंबर चला गया, कैसे लोग यानी कि दो दो नंबर लाए उसका उनका 19 नंबर हो गया, और कैसे बहुत लोग फेल हो गए, कैसे लोग बहुत लोग पास हो गए, क्या गलती हुआ क्या नहीं हुआ, सारा कुछ आपको नेक्स्ट वीडियो पता चलेगा। तो उसके लिए आप लोग जो है यानी कि दाहिने तरफ जो वीडियो आपको दिख रहा है ना, यहाँ पे जो आपको वीडियो दिख रहा है उसमें आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, इस जगह पे जो आपको वीडियो देख रहा है इस पर आप लोग क्लिक करके देख लीजिए, ठीक है। और बाकी अभी जो है अप्रेंटिस, नया अप्रेंटिस आया हुआ है तो उसको देखने के लिए आपको जो है SSCR का इस वीडियो को आप लोग यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। और हाँ, अगर आपको अगर जानकारी है अच्छा लगा होगा, आपको पता चला होगा, तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।